दुनिया में भारत एक आस्था का केंद्र है। यहाँ पर कई चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर हैं। इनमें कई ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्यों को आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। ऐसा ही एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है जो दक्षिण भारतीय राज्य केरल के थिरुवरपूर में स्थित है। माना जाता है कि यह प्रसिद्ध मंदिर करीब 1500 साल पुराना है। इस भगवान श्री कृष्ण के मंदिर से कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। बताया जाता है कि वनवास के दौरान पांडव भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते और उन्हें भोग लगाते थे। पांडवों ने वनवास समाप्त होने के बाद थिरुवरपू में ही इस भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि यहाँ के मछुआरों ने मूर्ति को यही छोड़ने का अनुरोध किया था। मछुआरों ने भगवान श्री कृष्ण की ग्राम देवता के रूप में पूजा करनी शुरू कर दी। हालांकि मछुआरे एक बार संकट से घिर गए तो एक ज्योतिष ने उनसे कहा कि आप सभी पूजा ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को एक समुद्री झील में विसर्जित कर दिया। केरल के एक ऋषि विल्वमंगलम स्वामी यार नाव से एक बार यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनकी नाव एक जगह अटक गई। लाख कोशिशों के बाद भी नाव आगे नहीं बढ़ पाई तो उनके मन में सवाल खड़ा होने लगा कि ऐसा क्या है कि उनकी नाव आगे नहीं बढ़ रही है। इसके बाद उन्होंने पानी में नीच डुबकी लगाकर देखा तो वहां पर एक मूर्ति पड़ी हुई थी। ऋषि विल्वमंगलम स्वामी यार ने मूर्ति को पानी में से निकाली और अपनी नाव में रख ली। इसके बाद वह एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए रुके और मूर्ति को वहीं रख दी। जब वह जाने लगे तो मूर्ति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह वहीं पर चिपक गई। इसके बाद वहीं पर मूर्ति स्थापित कर दी गई। इस मूर्ति में भगवान कृष्ण का भाव उस समय का है जब उन्होंने कंस को मारा था, तब उन्हें बहुत भूख लगी थी। इस मान्यता की वजह से उन्हें हमेशा भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर स्थित भगवान के विग्रह को भूख बर्दाश्त नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके भोग की विशेष व्यवस्था की गई है। भगवान को दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है। अगर भोग नहीं लगाया जाता है तो उनका शरीर सूख जाता है। ये भी मान्यता है कि प्लेट में से थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाया गया प्रसाद गायब हो जाता है। ये प्रसाद भगवान श्री कृष्ण खुद ही खाते हैं। पहले इस मंदिर को आम मंदिरों की तरह ही ग्रहण काल में बंद कर दिया जाता था, लेकिन एक बार जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। ग्रहण खत्म होते होते उनकी मूर्ति सूख जाती है, कमर की पट्टी भी खिसक कर नीचे चली गई थी। इस बात की जानकारी आदिशंकराचार्य को हुई तो वह खुद इस स्थिति को देखने और समझने के लिए वहां पहुंचे। सच्चाई जानकर वह भी आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि ग्रहण काल में भी मंदिर खुला रहना चाहिए और भगवान को समय पर भोग लगाए जाए। इसके अलावा भगवान का जब अभिषेक किया जाता है तो विग्रह का पहले सिर और फिर पूरा शरीर सूख जाता है, क्योंकि अभिषेक में समय लगता है और उस समय भोग नहीं लगाया जा सकता है। इस घटना को देखकर लोगों को अचरज होता है। जानकारी अच्छी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।